The life of Biju Pushkaran, the head clown of Pune-based Rambo Circus, has been a roller coaster ride so far. Portrayed by Ashish Vidyarthi, in the short film Painted, Pushkaran fled his village in Kerala's Thiruvananthapuram at the age of 11. My father killed me a lot, so I ran away from that. I came straight to Mumbai, I left for Mumbai. नहीं, ट्रेन के अंदर सो गया था, पता नहीं था. फिर मैं उठा तो पालाकाड़ पार हो गया था, रोने लग गया था. एक फैमिली है, मुझे संभाला. तो ऐसा मुंबई पहुंचा. फिर मुंबई से फिर मैं उनका घर पे एक हफ्ता था. उधर से मैं फिर निकला सर्कस के लिए. दो तीन दिन घूमा, पैसा वैसा कुछ नहीं था. भूख लग रहा तो एक सर्कस देखा, शूट चल रहा था सर्कस का. He was naturally drawn into circus as he had seen his father, dancer Pushkaran, performing cycling acts for street circus troupes. And that's when he met a young Shah Rukh Khan on the sets of Doordarshan serial Circus, long before he became our beloved SRK. So at that time, I also joined there. I was working as a gatekeeper. उधर से गेट कीपर का काम करते करते फिर मेरे को मैं सोचा क्लाउन बहुत अच्छा लग रहा था. मेरे को मुश्किल था मेरे लिए क्लाउन का, क्योंकि मैं काला है देखने में. इसलिए उस टाइम का जो सर्कस का ऑनर लोग है, मुझे उतना ये नहीं दिया. मुझे बोला नहीं, आप ब्लैक है तो आप क्लाउन नहीं बन सकते करके बोला. तो मेरे मन में बहुत दुख लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, काले का पीछे भी काला गोरा ऐसा होता है क्या. फिर मैंने उसको चैलेंज लिया. मैंने बोला नहीं, अभी तो मेरे को क्लाउन बनना ही बनना है. फिर मैं छोटा सर्कस में गया, क्लाउन का क्लाउन किया. वहां से मेरे को रंबो सर्कस में बुलावा आया. It has been 26 years since Pushkaran has been a part and parcel of Rambo Circus. It was Rambo founder P.T. Dilip who took him in and offered him a new lease of life. Pushkaran quit drinking and poured his dedication into his new career. उधर आने के बाद मेरा जिंदगी बदल गया था पूरा. मुझे एक अच्छा ओनर मिला, उन्होंने सगा भाई का माफी मुझे प्यार किया. उसके बाद क्लाउन का प्रैक्टिस चालू किया मुझे. फिर मैं उसमें डूबते गया और बहुत मेहनत किया क्लाउन के लिए. मैंने दिन रात कभी सोता नहीं था. मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान का बेहतरीन क्लाउन बनना है. कुछ मेरा मन में नहीं था, ना मेरा फैमिली ना कुछ भी नहीं था. क्लाउन बना, शादी किया. Pushkaran lost his wife 18 years ago and he raised his two children with the help of his in-laws. He says he used to send money to his relatives when they needed help. However, the biggest shock of his life came when the same in-laws turned him away when he sought help during the pandemic. COVID ka pehle ठीक था, अच्छा था, बढ़िया था. हमने कभी सोचा नहीं था कोविड ऐसा महामारी आएगा, सबका ज़िंदगी में एक तूफान लाएगा. पहले कोविड तो कैसे भी तो हम लोग मुश्किल से निकल गया, लेकिन सेकंड कोविड में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग गया. हमने हर महीना अपना परिवार को पैसा भेजता था अपना. उसके बाद जो भी एक डेढ़ साल के बाद काम नहीं है, कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, तो घर वाला भी हमको आ छोड़ दिया. मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने मेरे बीबी का माँ को बोला, माँ जी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को कुछ पैसा आप भेज सकते हैं क्या, मैं बहुत मुश्किल में. बोला इधर पेड़ नहीं है. ऐसा ऐसा बात किया. मेरा भाई लोग से मांगा, कोई नहीं दिया. बहुत अकेलेपन महसूस होने लग गया. Having nowhere to go for help, Pushkaran decided to end his life. मैंने बोला अभी जी के कोई मतलब नहीं,
मर जाना चाहे, तो मैं सुसाइड के लिए प्लानिंग किया था। तो एक बंदा था तनवीर बोल के, वो मेरा टेंट का थोड़ा सा आगे था, तो उन्होंने देखा मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा है, जो कुछ उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, वो देख लिया तो उन्होंने तुरंत हमारे जो ओनर है सुजीत, उनको कॉल किया क्यों ऐसा करना है। फिर मैं ऐसा रो पड़ा, अंदर का जो दिल में बात था वो सब उनको शेयर किया, तो मन हल्का हो गया। फिर उन्होंने समझाया मुझे, देखो ये सब ऐसा सुसाइड करना घायलों का काम है, आप एक काम करो, फिक्र मत करो, तुम हमें तेरे साथ, तेरा परिवार क्यों छोड़ दिया तो हम तेरे को नहीं छोड़ेगा, बोला। उसके बाद थोड़ा उम्मीद बढ़ा। फिर उन्होंने मेरे लिए माइंड ठीक करने के लिए हम लोग जुम्बा डांस वगैरह किया, प्रैक्टिस किया। Lockdowns, Rambo Circus went online and sold 55,000 tickets through Book My Show. And when the COVID restrictions were lifted, Rambo started doing more indoor gigs along with the tent shows. पैसा आने के बाद तो परिवार भी कॉल करने लग गया, अभी तो दामाद के पास पैसा आ गया तो सब सासू माँ साला जीजा सब फोन कर रहे हैं। मैं किसी का कॉल अटेंड नहीं किया, मैंने बोला नहीं यार, ये पैसे का प्यार है ये हमको नहीं चाहिए। मैंने काम पर ध्यान दिया, फोकस किया, मेरा मकसद एक ही है, ऑडियंस को हंसाना, और जो भी पैसा कमाऊँ अब मैं अपने लिए रखूँ, मैं अपने लिए जी हूँ। मेरा लड़का को अभी फिल्म एडिटिंग डिपार्टमेंट में काम मिला हुआ है, बेटी मेडिसिन फाइनल ईयर है, तो अभी मैं वो लोग भी बोला पापा आप अभी हमले के लिए पैसा मत भेजो, आप अपने जिंदगी अपने तरीके से जियो, मैं बिंदास जी रहा हूँ, मैं खुश, मेरे बच्चे लोग खुश है। पुष्करन says the pandemic was a life lesson for him. कोविड को सब लोग बोलते हैं कोविड आया गलत है, लेकिन कोविड ने, मैं बोल रहा हूँ कोविड ने हमको जीना सिखाया, कोविड ने दिखा दिया असली कौन है नकली कौन है। अगर कोविड नहीं आता तो हमको समझ में नहीं आता था, हम ऐसा पैसा बेचते जाता था, हमारे परिवार हमारा पैसा खाता था, आखिरी वक्त में हम रोड पे भीख मांग लेते थे, लेकिन वो कोविड हमको दिखा दिया बेटा तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए भी कुछ रखो, मैं तो तुम्हारी जिंदगी नरक बनने वाला है। After denying himself a quality life for several years, Pushkaran now wants to live his life to the fullest. तो अभी हम अपना पैसा अपने पास रख रहे हैं, हर मेरे को जो करना है वो मैं करता हूँ, मेरे को लग रहा है ये खाना खाना है, मैं वो चाहिए 5 स्टार हुए 50,000 भी होना तो मैं जाके खा लूंगा। मेरे को लगता है अभी मैं मैक्सिमम ट्रैवल करते प्लेन में, बिजनेस क्लास में बैठता हूँ, इतना साल में मेरे पास 2 जीन्स है 4 टी-शर्ट है बस, उसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं था। अभी मैं कपड़ा खरीदता हूँ, ब्रांडेड कपड़ा पहनता हूँ, मैंने अब तक जिया दूसरे लोग के लिए, अभी मैं खुद के लिए जी रहा हूँ, मेरे लाइफ में मेरे को जो चाहिए मैं करना चाहता हूँ, पहले 10 दिन जियो राजा बन के जियो।